स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं यार बता दूं कि ये जो आज वीडियो बन रहा है ये एक दिन डिले हो गया है। मतलब कल अभी सर्कल का वन शॉट बना रहे थे और सर्कल तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर। कल रात को 2 बज गए थे उसको बनाते तब कंप्लीट हो गया है। आज शायद अपलोड हो जाए वो। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमको डिस्कस करना है बहुत जल्दी। सबसे पहला तो ये है बोनस और रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर का तो समझ ही गए कि जो क्वेश्चन गलत थे उसके आंसर एनटीए ने बाद में करेक्ट करके दे दिए हैं। बोनस के बारे में एक चीज क्लियर कर दें कि बोनस मार्क्स तभी मिलते हैं जबकि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, उसका आंसर भले आपने गलत टिक किया हो, लेकिन गलत टिक करना भी जरूरी है, तभी मिलेंगे मार्क्स। अदरवाइज अगर आपने कुछ अटेम्प्ट भी नहीं किया है तो जबरदस्ती का बोनस नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद करते हैं इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मान लेते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर 7.3 है और अगर आपने 7.3 लिखा है तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, उसको लिखना होगा 7 क्योंकि राउंड ऑफ करना था ना, राउंड ऑफ करना था। और भाई अगर मान लीजिए लिखा हो एक का आंसर आ रहा हो 8.7 का आंसर अगर आपने 8.7 लिखा है इट इज रॉन्ग, वो होगा 9। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी का आंसर 4 आ रहा है तो और आपने 4.0 लिखा है इट्स ओके, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इवन अगर आपने 4.00 भी लिखा है तब भी हमको पूरे ही मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो आपका टेंशन थोड़ी सी कम हुई होगी। हाँ, अब बात करते हैं परसेंटाइल, ये ऊपर जाएगी नीचे जाएगी इस बार कैसा होगा। तो वो एनटीए ने जो अपना एक्सपेक्टेड बताया है मैं अभी उस पर डिस्कस करूंगा। इसके बाद फिर स्लाइड से डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा जल्दी काम हो जाएगा। अदरवाइज यही वीडियो 20 मिनट का हो जाता है, काहे के लिए आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। अब बात आती है कि अच्छा ये बीच में रह गया रिजल्ट डिले वाला रह गया है। भैया इतनी सारी गलतियां करेंगे, इतना सारा जो फैला रखा है उसको समेटना भी तो पड़ेगा। अब मान लीजिए कि दो क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको बोनस दें या उसको 292 मार्क्स कर दें, मतलब क्या करें। मतलब क्योंकि बच्चे का तो ये है ना कि जिसने वो क्वेश्चन को अटेंड किया है तो उसका तो टाइम वेस्ट हुआ ही है ना, तो फिर इसको समेटने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हाँ, फिर भी आज रात तक ही आ जाना चाहिए। अब बात आती है कैसे डाउनलोड करेंगे अपना स्कोर कार्ड, तो स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में भी बता देते हैं हम। तो आइए चलिए जल्दी से स्लाइड प्ले कर लेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा मामला, आइए फिर चलते हैं। तो बात करते हैं जेई मेन 2021 फरवरी सेशन में कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे, आंसर जिनके चेंज किए एनटीए ने, और कितने क्वेश्चन बोनस थे। तो 24th की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे और 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं, बोनस नहीं था उसमें, कोई भी क्वेश्चन का बोनस नहीं था। 24th के सेकंड शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे, उनको गलत किए, और दो बोनस क्वेश्चन थे, दो और वो भी मैथ्स के थे। फिर 25th की फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन गलत था और उसी को करेक्ट किया है, और 1 क्वेश्चन फिजिक्स में बोनस था। फिर 25th की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो उसमें भी 1 क्वेश्चन रॉन्ग था और उसको करेक्ट किया एनटीए ने, और 1 क्वेश्चन फिर उसमें हमको बोनस मिला है। 26 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 8 क्वेश्चन रॉन्ग थे, बोनस में केवल 2 हुए। अब ये सब चीज़ें गलत है ना, एक फिजिक्स में और एक मैथ्स में ये बोनस हुआ। 26 की सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, सबसे पहले तो बात हम इसको तो कितनी बार भी हम राउंड ऑफ कर दें भैया, अब 26 की सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन गलत था और बोनस नहीं था, शुक्र है भैया पेपर ये सही बना थोड़ा सा। अब देखिए जो एनटीए ने जो कट ऑफ निकाला है जेई मेन 2021 का कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो निकाला है ये एनटीए ने ही ये निकाला है, मतलब ये हम अपनी तरफ से कुछ इसमें गेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि कॉमन रैंक लिस्ट 90 से 100 बोला था, तो वही 90 प्लस हमने लिखा है, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 70 प्लस होना चाहिए, और ओबीसी एनसीएल के लिए 60% से ऊपर होना चाहिए, एससी के लिए 45% और एसटी के लिए 35%, पीडब्ल्यूडी के लिए 0.05% से ऊपर होना चाहिए। अब जो 2020 का कट ऑफ था, देखिए हम बताने क्या जा रहे हैं, वो भी देखिए इसी के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, मतलब कहने का कुछ खास उसमें चेंजेस नहीं है भाई, 90.37 है, फिर जनरल और ये जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 70 point something है, फिर उसके बाद क्या है ओबीसी एनसीएल के लिए 72 है, बस यहाँ पे डिफरेंस है, इस जगह पर है थोड़ा सा, बाकी मतलब जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अब हमें तो मेन इससे मतलब होता है कि इसमें क्योंकि यही डिसाइड करता है आगे की कहानी पूरी, यह डिसाइड करता है आगे की कहानी। तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर हुए थे 2019 में वो ये इसमें 9 लाख अराउंड थे, मतलब कि जनवरी वाले अटेंड में 9,29,000 और इसमें 9,58,000,
फिर 2020 में 935,000, और सितंबर वाले में कोरोना की वजह से बहुत कम बच्चे हो गए थे, 6,35,000 अराउंड। लेकिन अब यहाँ पर देखिए 2021 में क्या हो रहा है, फेब वाले सेशन में जो एक्सपेक्टेड जो भी उन्होंने बताया था, फेब वाले का तो क्लियर ही है कि 6,61,000 है अराउंड है, और फिर इसमें मार्च वाले में 5,00,000 जो आज की डेट में जो एनटीए के पास जो कार्ड था, जो स्कोर था वो मैंने बताया है, अप्रैल में 4,98,000 में इसको 5 ही लाख माने आप, ये भी 5 लाख हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये लगभग इस 21 से 22 लाख लोग बैठेंगे, लेकिन ये 21 से 22 लाख लोगों के बैठने से आप ये ना समझ लीजिएगा कि ये परसेंटाइल ऊपर बढ़ जाएगी, परसेंटाइल ऊपर नहीं बढ़ने वाली है, यहाँ पे बच्चों ने कुछ पढ़ा वाड़ा नहीं है, साफ बता दे रहे आपको, परसेंटाइल वहीं की वहीं रहेगी। मतलब ये बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनते रहते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं तो 2% 3% बढ़ जाएगा, 2% 3% का मतलब बहुत बड़ा होता है स्टूडेंट्स, ओके, तो परसेंटाइल वही रहेगा भले ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डबल हो गए हों तब भी। स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो उसके लिए मैं बता देता हूँ, वेबसाइट पे ध्यान रखिएगा, कोई भी इधर उधर की वेबसाइट पे ना चली आइएगा, अदरवाइज़ वो आपका डेटा आपका रख लेंगे, कुछ आपको देंगे नहीं, फिर बाद में आपके पास मैसेज पे मैसेज आते रहेंगे उस डेटा से। तो आप इस साइट से जाइएगा jmain.nta.nic.in, इस साइट पे जाइएगा, वहाँ पे jmain February 2021 जैसे आप इस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे नीचे की तरफ आपको ये मिलेगा JEE Main February 2021 सेशन, और रिजल्ट स्कोर, और वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा न्यू, ठीक है, उसमें उसके जब उसको क्लिक करेंगे, न्यू को क्लिक करेंगे उस वाले को, तो वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, वो आप भर देंगे, एप्लीकेशन नंबर है ये, डेट ऑफ बर्थ में पूरा वैसी डे मंथ ईयर तरह मांगेगा, सिक्योरिटी पिन मांगेगा, और फिर उसके बाद वहाँ पर सबमिट पे आप बटन दबा देंगे, सबमिट पे आप जैसे ही करेंगे तुरंत आपको NTA स्कोर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। हाँ तो स्टूडेंट्स गुड न्यूज ये है कि रिजल्ट तो आ गया है, बिल्कुल अभी 10 मिनट पहले रिजल्ट आया है, तो सोच तो ये रहे थे कि शायद लेट नाइट करके आएगा, डिले हो ही रहा था, खैर उसको उसका कैसे स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने स्लाइड पे उसकी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, कोई और साइट पे ना चलिएगा, अदरवाइज वो बस आपका डेटा ले लेंगे, फिर मैसेज करते रहेंगे आपको, तो ओके ऑल द बेस्ट।